बाहर देशों जो 20-20 लाख रुपए ला के मुंडे जाते उन्होंने तो फिल्म बन दी बी एम ए जिन्होंने वड्डी वड्डी डिग्रियां उन्होंने उत्ते तो अज तक पंजाब के फिल्म किसी बंद ने बनाई नहीं जो स्टूडेंट साढ़े पढ़े लिखे है वो बेचारे धक्के खाते फिरते इतने ये जी मेरी फिल्म है इंडियन स्टूडेंट उत्ते मैं बनाई है जब दोस्तों पढ़े लिखे बच्चे नौकरियां अप्लाई करने वास्ते जाते हैं तो सामने उन्होंने वड्डिया वड्डिया फीसों का सामना करना पैंदा वा दोस्तों बेरोजगार बंदे को 2000 रुपया कितों आऊगा उसके घर के नौकरियां करते उन्होंने तो दे देंगे जिन्हें माँ बाप दिहाड़ियां करते वो बेचारे कितों अपने बच्चों को पैसे देने सरकार को मैं कहना चाहना भी फीसा थोड़ी घटाइया जा भी हर एक वर्ग का बच्चा ताकि फीसा दे सके उन्हें कोई मुश्किल ना आए मुश्किल का सामना ना करना 100-200 रुपया फीस रखो कि ताकि इन्नी कु बंदा फीस भर लवे कि 7-8 दिहाड़ियां ला के काम करके सरकार को पैसे देगा सरकारों को अपील है जी जो अपने पढ़े लिखे बच्चे है नौजवान है अज की पीढ़ी देखो रोज़ घट्टो घट भी साढ़े बच्चा 200-250 बच्चा रोज़ साढ़ा बाहर जा रहा सो नवी पनीरी जिनी बाहर जा रही है तो बाहर क्यों जा रही है सिर्फ मंत्री सरकार ये जिम्मेदार ने तो इदा नहीं होना चाहिए सो सरकार कोई डोंकियां ला के जा रहा कोई इदा जा रहा कोई 2 नंबर जा रहा सो दुख माँ प्यो भुगतना पैदा वा कि जिन्ना जरा बच्चा पढ़िया उन्नी नौकरी देवे तो सर अज के नौजवान जो पढ़े लिखे घट घट जो उन्होंने 15-15 हज़ार तनखा 10-10 हज़ार तनखा भी देवे 10 to 15 के ताकि चोरिया नहीं कर सकते कोई डाके नहीं मार सकते कोई साडे देश क्राइम नहीं हो सकता सो सरकार को अपील की जाती है भी इन्हें जो बच्चे पढ़े लिखे जो BA MA की है इन्होंने कम से कम 10-15 हज़ार दे के भी अपनी सरकार की नौकरी पक्के किए जाने।